दीदी तोरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। भाभी जी हम तो कब से दाना डाल रहे हैं लेकिन कुड़िया की फंस दी नहीं। आ क्या बोले? मैंने कहा कैसे मिजाज हैं आपके? मिजाज? कहाँ बताए मिजाज के बारे में। हाँ मिजाज तो हमरे अब बहुत ही बुरे हैं, अब बहुत ऐसा कमजोर कमजोर सा महसूस कर रहे हैं, जब करा रहे हैं और जब भी हमारा पेट खाली होता है ना, हमारा मिजाज कुछ गड़बड़ा जाता है। कुछ प्लीज फॉर गॉड से क्यों तकलीफ दे रही है अपने आप को इतनी, प्लीज कुछ खा लीजिए, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ प्लीज। हाय दिया, आपको बोले है ना कि जब तक आपके घर में हम माता का चौकी का दर्शन ना ही कर लेते हैं, हम अपना व्रत ना ही तोड़ेंगे, एक ठो अन्न का दाना भी ना ही खाएंगे। भाभी जी माता की चौकी में कुछ विधि विधान है, जैसे वो हो जाएंगे माता की चौकी लग जाएगी। भाभी जी मैं बता चुका हूँ ना आपको। आज चाहे कुछ भी हो जाए हम भाभी जी को बता के दम लेंगे। ये भभूतिये का बच्चा गुलफाम कली के साथ भाभी जी के पवित्र बेडरूम पर रंगरलियां मना रहा है। ठहर जा बेटा। का फोन तिवारी जी को भी ना चैन नहीं है बिल्कुल। हाँ तिवारी जी। हाँ हेलो भाभी जी कैसी हैं? हाँ तिवारी जी मैं बड़े मजे में हूँ, आप बताइए। बस क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम आपको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। अरे तिवारी जी आप क्यों मेरी चिंता कर रहे हैं, मैं यहाँ लखीमपुर खीरी में बिल्कुल ऐश में हूँ, खुश हूँ। भाभी जी दरअसल आप समझ नहीं रही है कि हम किस बात को लेकर चिंतित है। मैं समझ गई। आप कहना चाह रहे हैं भाभी जी आप अकेली हैं, बेगाने शहर में हैं, कोई आपके साथ नहीं है। तिवारी जी ऐसा कुछ भी नहीं, आपको पता है लखीमपुर खीरी के लोग बहुत अच्छे हैं, अरे बड़ा कोऑपरेट करते हैं। यहाँ के जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं प्रोग्रेसिव हैं, बहुत बहुत मेहनती हैं। जी भाभी जी हमें बहुत खुशी है कि आप वहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ कानपुर में जो कांड हो रहा है ना भाभी जी, हम दरअसल उसी के विषय में बात करना चाह रहे थे। अरे कांड से याद आया तिवारी जी मैं आपको बताती हूँ एक कांड। मैं वो मार्केट में थी, शॉपिंग कर रही थी, थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि पुलिस ऑफिसर मुझे सलाम ठोक रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, और फिर आया मेरे शॉपिंग बैग से पकड़ लिए। मैंने उसे पूछा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, बोलते हैं मैडम आप DIG की बीवी है ना। मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कहा नहीं भाई मैं DIG की बीवी नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया जब मैंने DIG की बीवी को देखा, पता है वो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी दिखती है। नहीं नहीं भाभी जी आप समझ नहीं रही, दरअसल ये कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी आप ना बड़े स्लो हैं। मैं समझ गई आप लटूरी और उसके भाई घमंडी के कांड की बात कर रहे हैं। अरे तिवारी जी उन लोगों ने बहुत बुरा किया, ऐसे कोई करता है क्या? घर में बुला के शराब और जुआ खिलवा रहे लोगों को। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लटूरी और घमंडी की बीवी ने उन सब लोगों को खूब पीटा, बहुत अच्छा किया। अरे नहीं नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है, दरअसल देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा तिवारी जी ठीक है सुनिए मेरी बात, मेरी ना फोन की बैटरी जा रही है, आप ना फोन करके मुझे इतने सारे किस्से सुना देते हैं, इतने कांड सुना देते हैं ना, मेरी बैटरी चली जाती है। चलिए मैं आपसे बात बात करती हूँ। ओके
भाभी जी सुन यार, भाभी जी ने एक बार फिर अपने बोलने का मौका ही नहीं दिया साला। हार ठहरो, स्टॉप इट। क्या यार, इतनी जल्दी भी क्या है गुल्लो जान, हमें भी तो अपनी महफिल में शिरकत करने दो। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। आइए ना हुजूर, बैठिए तो सही। हम तो नाचना चाहते हैं आपके साथ। तो फिर चल। सपना था, बहुत बुरा सपना था। कुलफाम कली मेरे घर में शिफ्ट हो गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सपना कभी हकीकत थोड़ी ना होता है। अरे लेकिन मैं तो जो सपना देखती हूँ वो सच में हो जाता है, क्योंकि मैंने एक बार सपने में देखा था कि विभू के पापा को उसकी मम्मी ने पीटा, और अगले दिन ये पता चला था कि उन्होंने एक्चुअली पीटा था। हाँ, लेकिन कारण कुछ और था। उस वक्त तो उनको बिजली का झटका लग रहा था, बिजली के झटके से बचाने के लिए उनको डंडे से पीटा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये सच में सपना सच हो जाएगा? क्या गुलफाम कली सच में मेरे घर में शिफ्ट हो गए? फोन करके पता करती हूँ विभू कर क्या रहा है। मुझ पर तुम लोग यार। अबे हाँ विभूति, हम कौन सा तुझ पे जुल्म कर रहे हैं? ये जुल्म नहीं तो और क्या है ये? क्या है ये? यार का है का घुन्या है ससुर, तुम्हें जुल्म लग रहा हुए, हमें मजा आ रहा हुए। तुम्हें अगर मजा आ रहा है ना तो एक काम करो, गुल्लू को अपने घर ले जाओ, खूब नचाओ, खूब मजे लो, लेकिन यहाँ से जाओ, मुझे सोने दो प्लीज फॉर गॉड्स सेक। यार कहाँ से आ गया यार ये दूध में नमक? आई कांट टॉलरेट दिस मैन यार। सारा मजा किरकिरा कर दिया। जो इस वक्त दुनिया में सब लोग करते हैं बेबी, वही कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। ये कौन है, कौन है तुम्हारे पास? मेरे साथ मेरी तन्हाई है, अकेलापन है, और तुम्हारी यादों के साये है। Don't try to act cute, huh? बातें मत बनाओ तो मेरे साथ। मैं पूछ रही हूँ कौन है तुम्हारे पास? बेबी कोई नहीं है। और by the way तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि कौन होगा मेरे साथ इस वक्त? गुलफाम कली। चीखे क्यों तुम चीखे ना? वो क्या है कि छिपकली मुझसे चिपकने की बार बार कोशिश कर रही है, मैं उसको हटा रहा हूँ लेकिन हट नहीं रही है, हट नहीं रही। अच्छा, मैं देख रही हूँ घर में बहुत कीड़े मकोड़े हो गए हैं, तुम एक काम करो ना, पेस्ट कंट्रोल वाले को ना कल बुला लो। हाँ, घर में पेस्ट कंट्रोल करा दो। यार राइट, घर में काफी कीड़े मकोड़े हो गए हैं। ओके बेबी, गुड नाइट। गोरी मैम गुड नाइट। गुड नाइट तो बोल दिया। अरे इतनी जल्दी क्यों गुड नाइट? मैं पूछ रही थी कि तुम्हारे आसपास इतनी अजीबोगरीब आवाजें क्यों आती हैं? बेबी वो टीवी चल रहा है, टीवी की आवाज आ रही है। क्या चल रहा है टीवी पे? वो मैं फिल्म देख रहा हूँ, पति पत्नी और नचनिया। What? तुम रोज एक फिल्म देखते हो और ऐसी वाहियात फिल्में देखते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है?
पहले तुम पति पत्नी और तवायफ देख रहे थे, अब तुम पति पत्नी और नचनिया देख रहे हो। बेबी ये पति पत्नी और तवायफ का सीक्वल है। छी छी, वो कितना बुरा टेस्ट है तुम्हारा। ढंग के काम करो, कुछ ढंग की फिल्में देखो, बंद करो टीवी और चुपचाप सो जाओ। We will love you. Good night, my baby. बहुत कमाल की दाल बनाई है पगली है। देसी घी में ना हींग और जीरे का तड़का दिए हैं। तभी इतनी सोनी सोनी मिट्टी जैसी खुशबू आ रही है। एक निवाला हमारी तरफ से भी खाओ पगली। दी, आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। हाँ ना खाना पड़ेगा पगली। खाओ खाओ खाओ। क्या बात। भाभी जी घर पर है क्या? पराठा फैला रहे हैं। आपके चक्कर में भूख के मारे बार बार बेहोश हो रही है। आप रायता फैलाने आ रहे। भाभी जी ने कुछ खाया नहीं? सुबह से घुइयां टकने गई उसके मुंह में और आप यहाँ बैठकर घुइयां ठूस रहे हैं मजे से। आपको शर्म नहीं आ रही है? देखिए मैं अंगूर की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, समझे ना, जो आपके चक्कर में भूखा रह जाऊं। मैं भाभी जी से कब से कह रहा हूँ कि कुछ खा लीजिए, वो ही नहीं खा रही है। कैसे खा लेगी? व्रत रखा है ना, जब तक माता की चौकी में बैठे ही नहीं तब तक कैसे खा लेगी खाना? अभी जी ने कैसा संकल्प ले लिया फॉर गॉड्स सेक्स। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने अभी तक माता की चौकी काय नहीं रखी भाई। एक्चुअली मैंने ऑलमोस्ट माता की चौकी रख ली थी, लेकिन क्या है कि पंडित जी का मुझे फोन आ गया, कहने लगे कि देखो तुम्हारे जो स्टार्स है ना वो इस वक्त हिले हुए हैं। और कितना हिलेंगे स्टार, पहले से ही हिले हुए हैं। लड्डू के भैया। आप पगली? अब कौन आया है? भाभी जी अब मैं आया हूँ। भरभूति विभूति। लेकिन भाभी जी आपका ये राइट गलौवा क्यों फूला हुआ है? वो हम कुछ खाते नहीं हैं तो हमारा मुंह सूज जाता है। Oh God, like water retention. भाभी जी आप क्यों अपने आप पे इतना जुल्म कर रहे हैं? भाभी जी कुछ खा लीजिए ना, प्लीज कुछ खा लीजिए। माता का चौकी लग गया का, चलिए दर्शन कर लेते हैं। प्लीज अब प्लीज जूस ही पी लीजिए। कैसे पिलेगी जूस? अंगूरी तब तक भूखी रहेगी जब तक व्रत ना तोड़ दे और तब तक ये अन्न और जल को छुएगी भी नहीं, समझे? अंगूरी ही भूखी नहीं रहेगी, आपको भी आपकी मम्मी की कसम है। तो जब तक अंगूरी भूखी रहेगी तब तक आप भी अन्न और जल को हाथ तक ना लगाएंगे। मुझे मंजूर है। हमको तो बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ दरवाजा खुला है, आ जाओ अंदर। कितनी देर से कहा है ब्लैक कॉफी लाने के लिए, अभी तक नहीं लाए क्या आप? जी भाभी जी हम ब्लैक कॉफी तो आपके लिए ले आएंगे, लेकिन होटल के किचन में हमें कोई घुसने ना देगा। अरे तिवारी जी आप, अरे आइए आइए बैठे ना। जी जी। क्या बात है तिवारी जी, आज तो आपने मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। और सुनाइए। बस भाभी जी हम तो एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं, लेकिन लेकिन क्या हुआ अंगूरी जी को? अंगूरी जी ठीक है ना? नहीं नहीं अंगूरी भी एकदम स्वस्थ है भाभी जी, लेकिन ओफो फो तिवारी जी ओफो, मुझे पता था ये कभी ना कभी तो होने ही वाला है। अम्मा जी की तबीयत खराब है बताइए। अब हो गई ना ये तिवारी जी, नहीं ये तो होना ही था। नहीं उनकी एक तो उम्र ज्यादा है, ऊपर से खाने पे कोई कंट्रोल नहीं। अरे उस दिन वो क्या हुआ,
दो दर्जन समोसे लेके आई। हाँ, मैंने सोचा पूरी कॉलोनी के लिए लेके आई होंगी। अरे 23 खुद डकार गई, बताइए। एक बचा था, आधा आधा मैंने और अंगूरी जी ने खाया। अब बताइए, ऐसे खाएंगी तो हाजमा खराब तो होना ही है ना, तबीयत खराब होगी। जी नहीं भाभी जी, आप वैसे तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अम्मा भी एकदम स्वस्थ है, बल्कि इस समोसा कांड के बाद तो उनका हाजमा और भी ज्यादा दुरुस्त हो गया है। लेकिन भाभी जी, ओहो मर गए, पंडित रामफल ने फिर कोई नुस्खा बता दिया, उनकी तबीयत खराब हो गई क्या? वो आदमी तो वैसे ही आनंद ले रहा है। भाभी जी, पंडित रामफल भी एकदम स्वस्थ है, लेकिन भाभी हम कुछ और कहने आए हैं। तिवारी देखिए, आप समझा नहीं रहे हैं, बात को पूरा गोल गोल कर रहे हैं। भाभी जी, हमारे कहने का मतलब यह है कि सब स्वस्थ हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम किसी और वजह से आपके पास आए हैं। अरे तो वजह बताइए ना, आप इतनी देर से आए हैं, वजह नहीं बता रहे हैं और इधर उधर की बातों में आपने सारा टाइम बर्बाद कर दिया। भाभी जी देखिए, क्या है कि हम जो बताने जा रहे हैं ना, वो सुनकर आप एकदम विचलित हो जाएंगी, आपकी धमनियों में रक्त संचार बढ़ जाएगा, आपके नथुने फूल जाएंगे। यही आपकी प्रॉब्लम है, आप हर बात को इतना मचते हैं ना, डायरेक्टली बात नहीं बताते हैं कुछ। जी मुद्दे पर ही आ रहे हैं। क्या है भाभी जी कि आपका ये जो पवित्र घर है ना, इसकी बैंड बजी पड़ी है। अब मेरे घर की बैंड क्यों बजी है? ये जो आपके लाडले भभूति जी है ना, इन्होंने आपके घर को कोठा बना दिया, कोठा। व्हाट? वो दिमाग खराब हो गया? ये क्या वाहियात बातें बोल रहे हैं आप? मुझे पता था भाभी जी आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना भाभी जी, हम अभी यहीं आपके सामने प्राण त्याग देंगे। बिबू को फोन लगा। नहीं नहीं, क्या बात करें भाभी जी, ये गलती कतई मत कीजिएगा, वो नहीं मानेंगे, बल्कि हमें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। और तो और भाभी जी, वो एकदम सावधान हो जाएंगे और रातों रात गुलफाम कली को वहां से भगा देंगे। अच्छा जी, पर क्या करूं? आप एक काम कीजिए भाभी जी, आप डायरेक्ट रेड मारिए, तब आप गुलफाम कली कांड का डायरेक्ट टेलीकास्ट देख पाएंगी और भभूति जी को रंगे हाथ पकड़ भी पाएंगी। बाथरूम को चप्पल मारूंगा, खींच के बदतमीज। जो कहां से आप? अनिवार्य है। आइए भाभी जी, आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए कि भभूति जी ने आपके मन मंदिर जैसे घर का क्या हाल कर रखा है। देखिए, क्या हाल किया है, मुझे तो सब ठीक नजर आ रहा है। भाभी, हम सच कह रहे, हमने अपनी आंखों से देखा है। तिवारी जी, आपका ना चश्मे का नंबर बढ़ गया। नहीं भाभी, चश्मे का नंबर तो बिल्कुल करेक्ट है, वही है। करेक्ट है तो फिर आपको हेलुसिनेशन होता है। हैं, ये क्या बोला है? वो बीमारी नहीं होती लोगों को, जिसमें लोग कल्पना करने लग जाते हैं, फिर वो कल्पना उनको अपने आंखों के सामने नजर आने लगती है, फिर उसको ही वो हकीकत मानने लग जाते हैं। विभू के बारे में भी आपने ऐसी कोई कल्पना कर ली होगी? नहीं नहीं भाभी जी, हमने कोई ऐसी कल्पना नहीं की है, बल्कि हमने अपनी आंखों से देखा है। हमें ऐसा लगता है भाभी, जरूर भभूति जी को इस बात की भनक मिल गई होगी कि आप रेड डालने वाली हैं, बस हमें तो यही। माय गॉड तिवारी जी, अब अपने आप को सही साबित करने के लिए और विभू को गलत साबित करने के लिए कितने गलत इल्जाम लगा रहे मेरे हस्बैंड पर। अरे नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है।
Hey, Anu baby, what a pleasant surprise, my John, my bacha! I'm so happy. But तुम्हें अचानक यहाँ देख के इतना खुश हूँ कि, you know, I really can't tell you. पर दिल तुम्हें दो तीन दिन से बहुत मिस कर रहा था, बहुत मिस कर रहा था. पर दिल तुम्हें पुकार रहा था कि अनु बेबी आ जाओ, अनु बेबी आ जाओ. और देखो, तुम आ गई. Miss you too, बेबू.